आज के इस वीडियो में बताने वाले कि NSDL पान आईडी आपके पास है तो उसमें आप किस तरह बैलेंस ऐड कर सकते हैं, यानी कि मनी किस तरह आप अपने NSDL पान आईडी में ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी चीज विस्तार से बताने वाले हैं किस तरह आप ऐड कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी कंपनी से पैन सेंटर लिया हो तो आप इस मेथड के जरिए किसी भी कंपनी से लिया हुआ पैन आईडी यानी कि पान आईडी NSDL की जो ऑफिशियल आईडी होती है जिसको आप लॉगिन करके लॉगिन मैनेजर से लॉगिन करके यूज करते हैं। तो इस वॉलेट में जो रुपया कैसे ऐड करेंगे हम आज के इस वीडियो में पूरी चीज विस्तार से जानने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद NSDL की पान आईडी आप ओपन करेंगे और यहाँ पे जाएंगे इंडियन सिटीजन 49A फॉर्म पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी अवेलेबल लिमिट जो है ये आपका बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि मेरे केस में मेरा अवेलेबल लिमिट 40 है, तो यानी कि मेरा वॉलेट बैलेंस जो ये 40 है। तो इस तरह आप जान सकते हैं आपको आपके वॉलेट में कितना रुपये है, ठीक है। जहाँ से आप पेन अप्लाई करते हैं यहाँ पर इंडियन सिटीजन 49A पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सेंट रुपये दिखने को मिलेगा। यहाँ पे अवेलेबल लिमिट जो होगा ये आपका बैलेंस होगा। जैसे कि मैंने कैश पे, तो आप समझ गए अपनी वॉलेट बैलेंस कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे अवेलेबल लिमिट आपका वॉलेट बैलेंस होगा। अब बात आती है कि वॉलेट में रुपया कैसे ऐड करें, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपने जो पैन सेंटर लिया है वो किस कंपनी से लिया है, जो कि यहाँ पे आपको दिखा देगा आपकी कंपनी के नाम, जैसे कि अल्ट्रेस्ट कंपनी है, इंटीग्रेट है और कई अलग अलग कंपनी जो पैन सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि आप किस कंपनी से पैन सेंटर लिए हैं। तो उसके बाद उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते होंगे। जैसे कि मैंने अल्ट्रेस्ट लिया था तो मैं जो डॉक्यूमेंट अपलोड करता था वो अल्ट्रेस्ट के वेबसाइट से डॉक्यूमेंट अपलोड करता था। तो अब मैं अल्ट्रेस्ट कंपनी की जिससे मैंने पैन सेंटर लिया उसकी वेबसाइट पर जाकर और उसके द्वारा दिया गया आईडी पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे। ये पैन सेंटर की आईडी अलग होती है और NSDL की आईडी अलग होती है और ये पैन कंपनी वाले के और पैन कंपनी वाले की वेबसाइट का आईडी पासवर्ड अलग होते हैं, पैन सेंटर के आईडी पासवर्ड अलग होते हैं। तो चलिए जिस कंपनी से मैंने पैन सेंटर लिया तो उस कंपनी की वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर यूजर आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे, लॉगिन करेंगे। ये मैं वर्टेक का बता रहा हूँ, यानी कि वर्टेक अल्ट्रेस्ट एक ही कंपनी का नाम है। तो आप अगर इस कंपनी से लिए तो आप इस फॉलो के इस माध्यम के मदद से आप बैलेंस ऐड कर सकते हैं, तो दूसरे में भी आपको यही पूरा प्रोसेस मिलेगा जो हम आपको बताने वाले हैं। तो आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करेंगे। तो ये लॉगिन हो गया, लॉगिन हो जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे एक फाइनेंस का सर्विस मतलब ऑप्शन। तो आप इस पे आएंगे सर्विस में, ये आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्या मिलेगा देख लीजिए, पेमेंट एंड रिचार्ज डिटेल, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे पेमेंट एंड रिचार्ज डिटेल पे क्लिक करेंगे तो पीछे जो आप पिछला जो पेमेंट आपने किया था वो हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर से फाइनेंस पे क्लिक करेंगे और रिचार्ज बैंक अकाउंट डिटेल इस पे क्लिक करेंगे। बैंक अकाउंट डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक अकाउंट नंबर और अकाउंट का नाम, अकाउंट टैप और किस किस माध्यम से इस अकाउंट में आप पेमेंट कर सकते हैं, RTGS, NEFT, IMPS के माध्यम से और ये IFSC कोड भी है। ये जो अकाउंट नंबर है ये आपका खुद का नाम का अकाउंट है, नंबर है जो कि यस बैंक में ओपन हुआ है, जो कोई ये पेन सेंटर कंपनी वाले ओपन किए हैं। अगर इस अकाउंट नंबर को आप वेरीफाई करेंगे तो आपका नाम ही दिखेगा, मतलब इस ये नाम दिखेगा जो भी आपका नाम होगा। तो ये जो एक अकाउंट नंबर है ALT यानी कि कैपिटल लेटर है, ये भी अकाउंट नंबर का ही अक्षर है, ठीक है। उसके बाद आपका सेंटर कोड, ये आपका अकाउंट नंबर हो गया। जैसे आप इसमें पेमेंट भेजेंगे तो वो आपके NSDL की पान आईडी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कम से कम 1000 भेजना है, 1000 से नीचे अगर भेजते हैं तो आपको रुपया फंस सकता है। तो चलिए किसी भी माध्यम से आप पेमेंट इसमें भेज सकते हैं, या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग से या फ़ोनपे या किसी अदर तरीके से। चलिए मैं स्टेट बैंक की UPI से भेजूंगा, स्टेट बैंक के नेट बैंकिंग पे आएंगे और यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चर देके लॉगिन करेंगे। स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग को ओपन करने के बाद पेमेंट ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्यूंग ट्रांसफर विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको अकाउंट नेम देना होगा, जो भी ये नेम होगा आपको, ये नेम, ये अकाउंट नेम आपको देना होगा। और उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, उसी अकाउंट नंबर को कन्फर्म करेंगे। अकाउंट नंबर में आपको ये पूरा देना होगा, ALT करके जो ये पूरा आपको अकाउंट नंबर देना होगा, कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ये कॉपी पेस्ट यहाँ पे नहीं ले रहा तो मैं दूसरी तरह आपको बता देता हूँ कॉपी पेस्ट करने से। इस तरह सेलेक्ट करेंगे और माउस से इसको ड्रैग करेंगे, इस तरह खींचेंगे देख सकते हैं, और इसको जहाँ भी देना चाहते हो वहाँ उस टाइम में ले जाकर इसको छोड़ देंगे। दिया गया नेम, अकाउंट नंबर, उसे अकाउंट नंबर कन्फर्म करेंगे। उसके बाद कह रहा है
SBI के अकाउंट ही अदर, यही तो यस बैंक के अकाउंट तो अदर बैंक को सिलेक्ट करेंगे, उसका FSC कोड देंगे, ट्रांसफर मोड को IMPS को सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट देंगे कम से कम आप 1000 ऐड करेंगे, ज़्यादा जितना कर सकते हैं 1000 से कम करेंगे तो वो रुपया आपका फंस सकता है। पर्पज यहाँ पे आप कोई भी डिपॉजिट सेलेक्ट करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। ये मैं SBI की इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर करना, आपको अपने अकाउंट नंबर को मिला लेंगे और FSC कोड, उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल पर OTP भेज दिया जाएगा, जो भी आपके बैंक के साथ रजिस्टर मोबाइल होगा उस पर OTP भेज दिया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। देखिए OTP मैं फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया, अब यहीं पे हम NHDL की जो भी कंपनी की वेबसाइट उस पर आएंगे, उसके बाद फिर से हम फाइनेंस पे क्लिक करेंगे, पेमेंट एंड रिचार्ज डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी वो जो पेमेंट मेरा सक्सेस हो जाएगा तो वो यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। तो इसको पेमेंट हमारे वॉलेट में आने के लिए आधा घंटा से एक घंटे का समय लग जाता है, आधे घंटे में ही ये रुपया आ जाता है आपके NHDL की PAN ID में, वो आप चेक कर पाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे जाएंगे, इंडियन सिटीजन पे क्लिक करेंगे, अवेलेबल लिमिट देखेंगे, यहाँ पे अवेलेबल लिमिट आपका बढ़ जाएगा ये आधा घंटा में, जैसे कि मैंने अभी 1000 ऐड किया तो ये आधा घंटा में ये आपको ऐड हो जाएगा। चलिए हम टाइम देख लेते हैं, अभी जैसे कि मैंने टाइम सर्च किया 7:41, यानी कि 1 मिनट पहले मैंने पेमेंट किया, यानी कि 7:40 में मैंने पेमेंट किया था। अब हम देख लेते हैं ये जो पेमेंट हमारी वॉलेट में कितनी देर में आता है, ठीक है, और डेट भी आप समय देख सकते हैं, सारी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी आप समय देख सकते हैं 7:47 हो चुके हैं। अब हम पेन कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे, फाइनेंस पर क्लिक करेंगे, पेमेंट रिचार्ज डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी जो मैंने पेमेंट किया तो वो भी आप शो करने लगा, यहाँ पे देखिए इन प्रोग्रेस है, और यहाँ पे आपसे कोई चार्ज नहीं कटेगा, जो भी आपका चार्ज होगा मतलब 1000 ऐड किया तो 1000 आपके वॉलेट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अब इन प्रोग्रेस में चलेगा, यानी कि 5 मिनट बाद यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन दिखा रहा है इन प्रोग्रेस में है। अब हम देखते हैं कितने दिन में ये हमारे वॉलेट में आता है। तो आप अभी समय देख सकते हैं 8:04 हो चुके हैं, यानी कि ये 20 मिनट टोटल लगे, 7:40 मैंने किया था और 8 बजे ये हमारे रुपये हमारे वॉलेट में आ गया है, जो कि आप देख सकते हैं 1040 पहले से था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरा अवेलेबल लिमिट जो अब 1040 हो गया है, 40 पहले से था, 1000 मैंने अभी किया, यानी कि 20 मिनट में आप समय देख सकते हैं 20 मिनट में जो भी मैंने ट्रांसफ़र किया था वो रुपया हमारे NHDL की PAN ID में आ चुका है। इसी तरह अपने NHDL PAN ID से जितना भी चाहे आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं, वो 20 मिनट में, जैसा कि आपने देखा लाइव 20 मिनट में ये मेरा रुपया हमारे पैन सेंटर में आ गया। अब हम पैन कार्ड बना सकते हैं, पैन कार्ड कैसे बनाते हैं, कैसे करेक्शन करते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, आप वीडियो देख लीजिएगा। मैं आप एक इसका प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप बर्टेक की जितने भी मैंने वीडियो बनाए सारे वीडियो आप एक साथ वहीं पर देख सकते हैं।